way is huge, then there should exist elements in N square for which an index cannot be generated. A unique index. If every element has a unique index, then the total number of indices, they may be even bigger than N square, because for every number there is an index, there may be even more indices in the world. Make sense? Yes, no? So you are saying that अगर मेरे पास एक ऐसा set है जिसमें पहले जो मर्जी भी कुछ पड़ा हुआ है और साथ n भी दोबारा पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब वो set n को भी contain कर रहा है और वो फिर भी n के equal होगा आपकी definition के according? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, that's your interpretation. For example, मतलब मेरा set ये है, अब आप उसको proof करें कि वो map होता है. आपका set क्या है? मेरा set है जिसमें कुछ भी पहले x y z data पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके वो n को भी contain कर रहा है. Okay. So, let's say R contains N, agreed? I will prove that R is strictly bigger than S. So, I'm not saying what you are interpreting. आप तो ये कह रहे हैं ना कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सेट अपने सबसेट, अगर एक सेट N एक सेट है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें N as a subset आए, दोनों सेट सेम होंगे साइज में. मैं ऐसा नहीं कह रहा. R में N as a subset है, लेकिन R is strictly bigger. I will prove it. So these are your interpretations. कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं जो कह रहा हूँ, that is written there. Right now I'm talking about n square and n. Just this. समझ आई? मैं यहाँ से कोई generalization create नहीं कर रहा. कि that means this. No such. Right now. Okay? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो n contain कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एवरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड एवरी इवन इंटुइटिव आर्ग्यूमेंट, अगर एक चीज़ अपने आप को कंटेन कर रही है और उसके अलावा भी उसमें चीज़ें, इट हैज़ टू बी बिगर देन इटसेल्फ. ये एक लॉजिक बात कहती है. ये इज दिस इलॉजिकल दैट इफ यू हैव अ सेट, एवरी नंबर ऑफ दैट सेट, देयर इज अ यूनिक नंबर देयर, इफ दैट इज ट्रू फॉर एवरी नंबर, देन व्हाट इज इलॉजिकल अबाउट के ये दोनों सेट सेम साइज के? What is illogical unintuitive about this? क्योंकि ये दोनों चीजों को simultaneously treat कर ही नहीं पाएगा. जब नहीं कर पाएगा, if there is no such pairing, फिर हम कहेंगे कि वो बड़ा ही छोटा है. फिर हम कहेंगे, मैं ये कह नहीं रहा कि हमेशा ही ऐसा होगा. सेट्स प्रॉब्लम. इसे कंप्लीट होने दो, ठीक है? मेरे ख्याल में अब समझ में आ जाएगा. सर, हम एक ही सिस्टम यूज करके दो आर्गुमेंट से डिफरेंट आंसर पर पहुंच रहे हैं. तो ये दूसरा आर्गुमेंट, मैं कह रहा हूं आर्गुमेंट है ही गलत. आप इन्फिनिटी को फर्क वे में ट्रीट कर रहे हैं जब आप उस आर्गुमेंट पे जा रहे हैं. आप एक ऐसी ऑर्डरिंग लेके आते हैं जो आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूं कि प्रूव करें x is power 0 is equal to 1, लेट्स से ऑल्दो इट्स एन एक्सिस, फर्ज करें बिल फर्ज, और आप प्रूव करने जाते हैं यूजिंग द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. दैट्स अ रॉन्ग आर्गुमेंट. मेबी इट विल नॉट बी हेल्पिंग यू. मेरी बात समझ आ रही? सो गो टू द राइट. यस, कैन यू जस्ट रिपीट इन टर्म्स ऑफ मैपिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव देयर? Yes, मैं अभी ये करने जा रहा था. Then there are questions के बिट. So काशिफ, थोड़ा सवाल लेना बंद कर. नहीं, so let's move forward. Okay, let me. 20 minutes में हमें एक दो ब्रेक लेनी है क्योंकि मेरा कैमरा की वो खत्म हो गई. Great. Memory. That helps actually. Because it's okay to ask so many questions, but most of the questions you are trying to somehow go away from that. I don't know, that might be your biasness, but first you have to say the definition of the mapping that I show you, what's wrong with that? If you cannot say about that, then we are not taking any questions. वैसे आप उस मैपिंग को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन एग्जिस्ट कर. एक्चुअली ये मैपिंग जो है इसको वन टू वन फंक्शन कहते हैं. तो अगर मैं ऊपर नीचे कर दूँ फंक्शन को, मतलब एक ये मैपिंग है फ्रॉम नेचुरल, ये है नेचुरल नंबर, होल नंबर से नेचुरल नंबर की है ना, और नीचे कर देता हूँ नेचुरल से होल. फिर वही बात ही पहले तो आगे, फिर इसका मतलब है कि दोनों के साइज़ सेम है? नहीं, मतलब मेरी बात को देखें, एक है होल नंबर से नेचुरल नंबर की मैप, ठीक है, दूसरी है नेचुरल से होल नंबर, ठीक है, दोनों को ऊपर नीचे कर देते हैं. ऊपर नीचे देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, डिवाइड कर देते हैं। That's probably the last question I'm answering. If for every element of a set,
if there exists a function that maps an element uniquely to another element, then we say the other set is as big as this one. That's it. Make sense? लेकिन इसकी डेफिनेशन में आप लोग लॉ हो सो नो मोर क्वेश्चंस आई एम सॉरी समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट सो आई गेस यू शुड गेट दिस फर्स्ट n स्क्वायर इज एक्चुअली दिस एंड हियर इज अ फार्मूला फॉर इंडेक्सिंग आई हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन आई कम अप विद अ फार्मूला टू इंडेक्स एवरी एलिमेंट हियर दैट शुड इंडेक्स यूनिकली मेक सेंस इट शुड नॉट बी द केस दैट द मल्टीपल पॉइंट्स दे आर इंडेक्सिंग टू द सेम थिंग or for one point there are multiple indices and stuff like that. So here is a formula. So give me an element, again, give me an element, and I will give you a mapping to natural numbers. And that mapping will be unique to everything. Here's a mapping. So let's say give me n1 and n2. Both are, so that's what you're giving me. I want to generate index of it. So I pick two numbers, let's say 2, and then 3. Raised to the power n2, and I call this as index. So give me a pair, for example, 5, 9. Its index is 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 9. Now the next thing. The claim that this indexing is unique is because it's prime factorization. And prime factorization of every number is unique. You see, I have picked the number carefully, 2 and 3. These two are prime numbers. 2 raised to the power something, 3 raised to the power something is prime factorization of something. And prime factorization is unique for every number. And if 2, 3 are prime numbers. So, in other words, what I'm saying is, you give me different pairs, I will give you different indices. Okay. And there does not exist a pair that is not assigned an index. Give me such a pair, for example. If every pair can be paired, so if every element in n square, there is a unique number in n, then n is as big as n square. Say that. 2 and 4, for example. So n is 2. Isko aap kehne 2, 4? Le lo ya isko? Oh, that function will not be a mapping. But I gave you a function. Wo function mapping isliye nahi hogi because that is not a prime factorization. Prime factorization. But I can take 2, 5. Sorry? I can take 2, 5. Or you can take 2, 5, or you can take 7. Any 2. Now you get the point. You can take P1 and P2 where P1 and P2 are prime numbers. Yes. Anyway. And nobody is stopping you to prove that n raised to the power k, which is, this is a pair, a tuple with k numbers, k natural numbers, where k is finite, of course. So every tuple is finite, so the length of the tuple is finite. If you have a set of tuples, that is as big as a set of natural numbers. Let me visualize you. This set of tuples. This is n square. This is n cube. Yes? This is n raised to the power 4. You get my structure inside the structure. That's how the multi-dimensional arrays work. But it turns out the total number of elements in this is the same as. So it seems. So far, it seems like that all the infinities are so perhaps the same. So far, it seems like no matter what infinity you come up with, I mean, so far it seems like that two infinite sets they are always have same size. Exactly. So just one last question. No, please. We have 13 minutes. और उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और मुझे 5 मिनट चाहिए इसके डेटा रिकवर करने के लिए.
और सब स्पेस ऑफ आर 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 लॉर्ड ऑफ स्पेस ऑफ आर स्पेस ऑफ आर Silence, please. Silence. Silence, please. Silence. Nothing. Okay, here I'm going to show you a set with infinite size. Obviously, the total number of elements they are going on and on and on. And I will show you that it is strictly bigger than n. That will be interesting seeing a lot of things because after seeing a lot of things. शायद आपके ख्याल में वो ऑल इन्फिनिट सेट्स दे हैव सेम साइज और बॉडी टू दिस आर्गुमेंट एंड स्टफ हियर इज वन सेट सो लेट मी डिफाइन द सेट ए एज ऑल बिट स्ट्रिंग्स सेट ऑफ ऑल बिट स्ट्रिंग्स ऑफ इन्फिनिट लेंथ So can you tell me some elements from this set? One element of this set is 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, going on and on and on. This is one element in this set, one element. Another element is 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, and it never ends. You have so many elements. And because this is a set, all these bit strings are unique. I mean, this is different than this one, this is different than this one. Two bit strings are unique if Two bit strings are different if at least they differ at one position. That's enough to say they're different. Make sense? What I'm going to show you is the following. This is set with infinite elements. I'm not talking about structure of one element. Whatever the structure of an element is, that's an object at the end of the day. So a bit string with infinite length is an object at the end of the day. But the total number of objects it has are infinite. Mm-hmm. Make sense? So that's a set with infinite size. Natural numbers is a set with infinite size. Maybe we tend to say that there will exist an indexing scheme. Ho sakta hai koi ek index, koi aisa function exist kare, ki given every element A, I can generate a unique index. In that case, n is as big as A and stuff. Okay. But I will show this is not the case for this set at least. Sahi hai ji? And here is the argument. Here is the argument. Proof by contradiction. Proof by contradiction. एक बात सुन लें अभी जो काशिफ प्रूव करने जा रहा है वो बहुत बड़ा क्लेम है एंड द क्लेम इज द फॉलोइंग वो ये कह रहा है कि मैंने एक सेट बताया और मैं कह रहा हूँ दुनिया जहान की जितनी मर्जी तुम मैपिंग ले आओ उनमें से कोई मैपिंग भी इसको नेचुरल नंबर पे मैप नहीं कर सकेगी दैट्स व्हाट ही इज क्लेम सो देयर कुड बी लाइक आई मीन देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैपिंग पॉसिबल और हमने देखा था कि एक मैपिंग हो रही थी उसमें नहीं हो रही थी वट काशिफ इज क्लेमिंग इज कि देयर विल नॉट बी एनी मैपिंग जो कि इनको इस सेट को नेचुरल नंबर पे मैप कर दी दैट्स व्हाट ही इज क्लेमिंग बिकॉज़ अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मैं इसको इस तरह से ऑर्डर कर दूं मैं कहता था यार कि मैं एक मैपिंग ले तो आया हूं तो मैं आपकी मैपिंग लेते हैं अब होगा ये कि कोई भी मैपिंग नहीं होगी ना सिर्फ ये कि मैं मैपिंग ढूंढने में सुस्त रहा हूं बल्कि मैं प्रूफ कर दूंगा आप अगर बड़े चुस्त भी हैं मैपिंग है ही मेक सेंस सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो सो दीज आर नेचुरल नंबर्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन दिस इज अ kth नेचुरल नंबर एंड देन इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन अजम्पशन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में हमेशा आप एक अजम्पशन लेते हैं एंड देन यू रीच टू अ फॉल्स थिंग एंड देन यू से The assumption is wrong. Okay? That's what we do by contradiction. Assumption. There exist a mapping F from a bit string to N, and that mapping is unique. That's my assumption. There exists some mapping. I don't know, but there exists.
Maybe I'm unable to figure out that mapping, but I think it exists. अब कैंटर साहब कहते हैं, if such a mapping exists, then there will be a bit strings that will be mapped to one, there will be a bit string that will be mapped to two, and so on. Let's say that bit string is this: b11, b12, b13, and so on. So this bit string is mapped to one because there is a mapping. There is some bit string that will map to one. There is some bit strings that string, let's say 2-1, 2-2, 2-3, map to. B11 is the first bit in this bit string. So B ij is either 0 or 1. I'm not fixing, I'm not taking an example of bit string. I'm staying general. This is some bit string from there, and it has index 1. Another bit string, it has index 2, and so on. Make sense? And then we have B31, B32. And then K, we have BK1, BK2. Oh, by the way, this is bit string. There is no space in there, but I'm just writing. So that's a complete bit string, infinite length bit string. There's one element in this. So then we have BKK. And then move on, and then move on. Yes? Yes. Make sense? Assume there is a function that maps these bit strings to natural numbers. That means every bit string has an index. Every bit string has an index. If the function exists, if the mapping exists. Yes? Now think about the following bit string. So far? Think about the following bit string. B11 complement, B22 complement, B33 complement, and so on. It is actually a bit string that is this, and the complements. So BKK. मैंने ये काफी सारे bits, कोई ordering थी, कोई indexing थी, उसके लिए ऐसे मैंने bit string को लिख दिया. अब मैं एक और bit string consider कर रहा हूँ. वो बिट स्ट्रिंग में ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं पहली बिट स्ट्रिंग यहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि ऑर्डरिंग में ऑर्डरिंग है. पहली बिट स्ट्रिंग की मैं पहली बिट उठाता हूँ, उसको रिवर्स कर देता हूँ. अगर वो वन थी जीरो कर देता हूँ, जीरो थी वन कर देता हूँ, व्हाटएवर दैट इज. दूसरी बिट स्ट्रिंग की मैं दूसरी बिट उठाता हूँ. तीसरी बिट स्ट्रिंग की मैं तीसरी बिट उठाता हूँ. मैं पहली दूसरी तीसरी बिट स्ट्रिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दे आर ऑर्डरेबल. आई एम अज्यूम दैट. यस, सो गुड. ये जो बिट स्ट्रिंग है, ये जो बिट स्ट्रिंग है, obviously this is also an infinite bit string because I'm taking all the diagonal and reverting that. This bit string surely belongs to A because A contains all the bit strings of infinite length. Yes. So this is an element in A. Yes? Yes. क्या इस बिट स्ट्रिंग को कोई इंडेक्स मिलेगा? ये एलिमेंट है A का. क्या इसका कोई इंडेक्स है? अगर इसका इंडेक्स है, आप फर्ज करते हैं इंडेक्स है आई, तो जो आई इंडेक्स वाली बिट स्ट्रिंग है उसकी बी आई आई और है, इसकी और है. फर्ज करें आईएथ इंडेक्स इसको नहीं, इसको जेएथ इंडेक्स मिलना था. तो अब जेएथ इंडेक्स में जाएं, जो बिट स्ट्रिंग जेएथ इंडेक्स में पड़ी हुई है वो फर्क है, ये फर्क है जेएथ पोजिशन. क्या इस बिट स्ट्रिंग को कोई इंडेक्स मिलेगा? नो. यस, लेकिन अगर कोई मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो हर बिट स्ट्रिंग को इंडेक्स मिलना चाहिए. यस नो. यस, सो देयर एग्जिस्ट नो मैपिंग फ्रॉम दिस सेट टू एन, एंड वी कंक्लूड ए इज स्ट्रिक्टली बिगर देन. There are elements in A that are not indexable. A is bigger. So this is the first time I'm telling you the infinity of N is smaller than infinity in A.
whatever that infinity means. So for example, मेरा जो dataset था ना, इसको भी at least last constraint को निकाल दे, बाकी सारे सर्फ़ there is no last constraint, that's the game. अब ये जो देखे वो जो दूसरा सेट पड़ा हुआ है जितनी भी उसके अंदर क्वान्टिटीज थी जो भी था उससे अगले लेवल में जाता हूँ क्योंकि मैं इसको इसको साइन कर देता हूँ अगला So what you that's what the game. जितना भी पढ़ा हुआ है आप कह रहे हैं कि जितना भी पढ़ा हुआ है वो सेट ए सारा उसमें कैप्चर हो गया और अभी भी और कोई इंडेक्स है Then you are assuming A is finite, which is not. अगर A finite है तो फिर तो बसला ही नहीं है इसके साइज का सीधा जाके एक एक करके काउंट का लूप लगा के काउंट करना अब यहाँ पे क्लेम ये है अगर ए इंडेक्सेबल है तो उसकी हर स्ट्रिंग को इंडेक्स मिलेगा तो मैं फर्स्ट करता हूं कोई इंडेक्सिंग स्कीम है जो भी इंडेक्सिंग स्कीम है कोई एग्जिस्ट करती है एग्जिस्ट करेगी ना बट दैट्स अ प्रूफ कि वो जो भी इंडेक्सिंग स्कीम है इट इज इनसफिशिएंट टू इंडेक्स दिस वन दैट मींस नो सच इंडेक्सिंग स्कीम एग्जिस्ट्स आई नीड नॉट टू चेक द इंडेक्सिंग स्कीम्स वन बाय वन इज दिस अप्रोप्रिएट इज दिस अप्रोप्रिएट इज दिस Is this order appropriate? Is this order appropriate? Maybe I'm not ordering very well. No matter what ordering, no matter what indexing you come up with. So, what I've shown is, if indexing exists, then you can conclude there is something that is not indexable. Sir, can this be generalized that if a set is infinite length, its element is infinite length, its infinity natural numbers are Yes. Which means जो real numbers हैं, which बड़ा real numbers. Every real number is a bit string of infinite length. Or actually, rational numbers. Yes. Okay. Rational numbers A is the same as n square. Yes. So you can write p over q as a pair p comma q. Just you have to represent every rational number in its lowest form so that it can be represented uniquely. Yes. Then this proof works that rational numbers are countable. But real numbers are not. But real numbers are not. Real numbers are many baat nahi hai. Rational numbers. Rational numbers mein do number hote hain, dono integers hote hain. Dono integers hote hain. ठीक है? और integers को अगर मैं देखूँ तो उन integers को represent करने का तरीका एक ही है. This is the numerator, this is the denominator. और मैंने proof किया कि this is countable. लेकिन इसमें मसला नहीं होगा टू बाई थ्री एंड थ्री बाई टू आर डिफरेंट लेकिन And they will be mapped to different elements as well. एक two की power two और three की power three और एक three के two की power three है और three की power two. So then they are different. Sir, yes. Sir, अगर एक pair हो pair n size Like n raised to power n is a different thing. उसमें अलग हो जाएगा. वो बढ़ेगा क्या? एक बार की जो बात कर रहे हैं. इस पे रोक लेते हैं. रोक ले. नहीं नहीं ये सवाल मैं आंसर कर सकता हूँ. You have 2 minutes. Okay, I'm answering that. आप कह रहे हैं n raised to power n. Where n is large. N is infinity. N itself has infinity. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ. This set, simple. With infinite lengths of these elements. Natural number में तो ये choices की इन दो से ज़्यादा हैं. Yes. Natural number में you have how many symbols do you have in natural numbers? 1, 2, 3 a lot of them. Infinite. अगर आपके पास सिर्फ दो symbols हो, 0 and 1, but you consider infinite length strings, then तो not n raised to m तो obviously not. Tired. That was. Make sense? Yes. So. Do I have 1 minute? Yes. So we have established that the infinity, at least there are 2 infinities and one is bigger than the other, at least. That we have established. Now I'm going to give you a result, again by Cantor, that shows that it doesn't stop. And I will not prove it in this class, so you can go and see. The result is this, the power set of any set power set of any set is strictly bigger than the set.
पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स द पावर सेट ऑफ एनी सेट इज स्ट्रिक्टली बिगर दैट टेल्स यू व्हाट दैट टेल्स यू द फॉलोइंग यस p of n इज बिगर देन n P of n is bigger than this. P of p is that bigger? So there are infinitely many infinities. So now wait time. यार 5 मिनट की ब्रेक है आपके पास ठीक है.